वेलकम टू क्रिएटिविटी बाय आरके। तो आज के वीडियो में जानते हैं कि लाइटरूम से फोटो एडिट कैसे किया जाए। ठीक है, देखिए यहाँ से बहुत सारा फोटो है, सब ऊपर नीचे जैसे तैसा है, ठीक है ना। तो मैंने आज में से एक फोटो चूज़ किया, ये वाला। तो आज आपको मैं बताऊंगा कि किसी भी फोटो को ऐसा कैसे बना सकते हैं एकदम, ये फोटो ओरिजिनल ऐसा नहीं था, ओरिजिनल जो फोटो था ऐसा। देखिए जैसे कोई भी नॉर्मल फोन से आप लोग क्लिक करिए तो कुछ इसी टाइप का आता है, लेकिन एकदम फोटो को मस्त और ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आप सीख जाइएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी तरीका है, लाइटरूम इंस्टॉल कर लीजिए, आराम से आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है और भी बहुत सारा लाइटरूम का ट्यूटोरियल, ये है बेसिक ट्यूटोरियल। ठीक है, लाइटरूम बेसिक ट्यूटोरियल मतलब आप मतलब नॉर्मली बेसिक आप इसमें से सीख जाएंगे, किसी में आप एडवांस। ठीक है, आप बस बेसिक चीज़ सीख जाएंगे लाइटरूम का, कि कैसे भी फोटो एडिट करने का तरीका सीख जाएंगे, फिर एडिट करते करते आप खुद एडवांस हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले फ़ोटो को रीसेट कर लेते हैं। ये रीसेट ऑल एडजस्टमेंट, यहाँ मेरे का फ़ोटो रीसेट हो चुका है। ये क्या पूरा लगता है रीसेट नहीं हुआ, वर्जन ओरिजिनल अप्लाई। अब हम लोग का फ़ोटो हो चुका है रीसेट, देख सकते हैं। तो किसी भी फ़ोटो को जैसे कि नॉर्मल ब्राइट फोटो है, नॉर्मल है, तो सबसे पहले लाइट वाले सेक्शन में जाना है। जाते ही यहाँ पर आपको बहुत सारा चीज़ देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले कर लेना हाईलाइट्स को कम आपको करना है। ठीक है, जैसे देखिए हाईलाइट्स कम करते ही वह पूरा वाइट वाइट था, ये देखिए देखिए बादल दिख गया, हो गया। तो वैसे वाइट्स का भी वही है, थोड़ा और अच्छा है, वाइट्स कम हो गया। अब ब्लैक्स को बढ़ाएंगे, जो जो ब्लैक पार्ट वो थोड़ा बढ़ जाएगा, शैडोज़ को बढ़ाएंगे थोड़ा, फोटो ब्राइट होगा। बिफ़ोर और आफ्टर देख सकते हैं, अभी भी बहुत अंतर हो गया, थोड़ा एक फेडेड लुक है फोटो में। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ाएंगे, लेकिन फेडेड रहने देना क्योंकि आगे काम आएगा। ठीक है, तो इसलिए कॉन्ट्रास्ट को हम लोग कर लेना है और थोड़ा कम। किसी भी फोटो जब भी आप एडिट करेंगे ना फ़ोन से, तो हमेशा क्या करिएगा कि कॉन्ट्रास्ट कम करिएगा। ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा हल्का हम लाइटिंग, ये पहले था ये अच्छा लग रहा है, लेकिन ये हम लोगों ने एडिट किया, अभी पूरा हुआ नहीं है, बस हल्का फुल्का लाइटिंग का एडजस्ट किया हम लोगों ने, ताकि आगे एडिट करने में आसान हो। ठीक है, तो और एक्सपोज़र इस फोटो का सही है, ज़्यादा बढ़ाने का ज़रूरत नहीं है, लास्ट में देखेंगे एक्सपोज़र को। ठीक है, तो आप बढ़ते हैं अपना कलर वाले ऑप्शन के ऊपर। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा टिंट सेट है, वो रॉ फोटो है इसीलिए और पहले से ही सेट है। ठीक है, वो सब कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग को चल जाना यहाँ पर HSL टूल, जिसमें भी सर्कल बना हुआ आ रहा होगा उसमें टिप देना है। यहाँ पर जो अभी टूल खुल के आया है हुई सैचुरेशन ल्यूमिनेंस, ये क्या है कि आपको इसके बारे में डिटेल में एक वीडियो बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ कि देख सकते जितना सारा कलर्स है ना, अब इसमें जितना भी कलर्स है आप इन सारे कलर्स को फोटो में कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारा कलर्स इन फोटो में नहीं है, बट जो भी कलर्स है आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि सबसे पहले स्काई वाले पार्ट पे जाते हैं, ये जो मैंने अभी सिलेक्ट किया वो स्काई पार्ट है, हुई से उसका जो कलर है ना वो चेंज हो जाएगा। देखिए स्काई का कलर देखिए, ठीक है, और सैचुरेशन से वो और डीप होगा कलर और डार्क होगा। ठीक है, और ल्यूमिनेंस से उसका लाइटिंग कम ज़्यादा होगा। ठीक है, देख सकते हैं आप ल्यूमिनेंस से। तो ये तीन चीज़ आप कलर पे कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ जितना भी कलर्स दिया हुआ है। तो फोटो में हम लोग का जो स्काई पार्ट है हमेशा वो ब्लू चाहता है, तो इस सैचुरेशन को बढ़ाएंगे, ल्यूमिनेंस थोड़ा कम करेंगे, थोड़ा ब्लू ब्लू ह्यू को भी थोड़ा कम करेंगे, ये देखिए। ठीक है, अब फोटो देखिए पहले और अब में अच्छा खासा अंतर आ चुका है, ये भी ब्लू है, ये इसको कम करके देखते देखिए, ये हल्का से ये हमेशा थोड़ा हल्का रहता है। ठीक है ना, तो इसीलिए बहुत कम जगह इसका यूज़ हो पाता है। सैचुरेशन बढ़ा देते हैं इसका, ल्यूमिनेंस थोड़ा ठीक है, चलिए ग्रीन पेड़ यहाँ पर है, ग्रीन हुई से करेंगे तो देखिए ग्रीन देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक काइट है उसको भी देख सकते हो उसका कलर। तो अगर आपको ऑटम वाइब चाहिए तो इसको ऐसे कम कर दीजिए, तो यहाँ पर एक वही वाला फीलिंग आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैंने ये सेट किया सैचुरेशन, ये सब ना थोड़ा अपने से देख, मैं इसके बारे में बता दिया हूँ, अब इसको आगे पीछे करके आपको देख लेना। ठीक है, इससे आपका फोटो कलर ग्रेड भी होता है। ठीक है, फोटो कलर ग्रेड करने का सही तरीका है कि कोई भी फोटो में दो कलर चूज़ करे और उसको अपना और उसका अपोजिट कर दे। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर कलर ग्रेडिंग नहीं सिखा रहा हूँ, यहाँ पर बेसिक फोटो एडिटिंग सिखा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप कलर ग्रेड करना रहता तो मैं ये जो पेड़ है इसको कर देता तो पूरा ऑरेंज, स्काई को पूरा टील कलर, तो ये हो जाता पूरा अपोजिट, तो देखने में आई कचिंग लगता है। लेकिन हम लोग बेसिक अभी जान रहे हैं, ठीक है, अभी वो नहीं करना है। ठीक है, ये नॉर्मली ठीक, अब येलो कलर में जाएंगे तो ये थोड़ा और उसका डीप में जाएगा। देखिए जहाँ वहाँ पर थोड़ा थोड़ा कम हो रहा था, यहाँ पर और डीप में गया। ह्यू को रहने देंगे, सैचुरेशन ज़्यादा कम करके देखेंगे। जैसे कि देख सकते हैं जो धूप का जो कलर है वो एक्चुअली पेड़ पे खिल रहा है, तो देखने में अच्छा लग रहा है। ल्यूमिनेंस उसका लाइटनिंग एडजस्ट कर सकते हैं, ये कुछ ज़्यादा हो जाए, नॉर्मली ठीक है, थोड़ा सा बढ़ाएंगे। ठीक है,
और हुई को भी एक बार आगे पीछे करके देख ले, देखा हाँ ठीक है, नहीं नॉर्मली ठीक है। तो देखिए बिफोर और आफ्टर दिखाते रह रहा हूँ आपको, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट है ऑरेंज, ऑरेंज का हुई कम ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पर कुछ उतना कलर्स है नहीं ऑरेंज का, पर कुछ कुछ जगह है, मैं आपको अभी जूम करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर ठीक है ना, यहाँ एक से एक डिटेल पे ध्यान रखना है फोटो का। तो हुई को कम ज़्यादा करेंगे तो देखिए अब करना क्या है कि जो सैंड, इसमें तो जो रेज आ रहा है सन, वो तो कुछ ऐसा कलर का, आप कुछ ऐसा कर देंगे तो अच्छा लगेगा या ऐसा अच्छा नहीं लगेगा, ये तो और ही अच्छा नहीं लग रहा। तो क्या करना है मेरे को, हुई को नॉर्मल सैचुरेशन कम ज़्यादा करके देखेंगे, लग रहा है कि हाँ अब धूप पड़ रहा है, अब थोड़ा लाइटिंग बढ़ाएंगे कि अब देखिए तो उसको ये फोटो भी हम लोग नेचुरली कलर ग्रेड, मतलब सॉरी कलर ग्रेड नहीं, नेचुरली फोटो को बेसिक रीडिंग करना सीख रहे हैं लाइटरूम सॉफ्टवेयर के मदद से, जो एकदम फ़ोन से ही देख, ठीक है। और एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अच्छा फोटो एडिट करने के लिए अच्छा से फोटो खींचना भी चाहिए। अगर ये फोटो मैंने ऐसे खींचा है, अगर कोई यहाँ पर स्काई पे फोकस रख के खींचता तो पेड़ है पूरा एकदम ब्लैक हो जाता, स्काई पूरा नॉर्मल दिखता, ठीक है ना। तो फ़ोन को जो एक्सपोजर और जिससे रहता है वैसे ही रखे खींचिए, उसको अच्छा एडिट करिए, ठीक है। एंड एंगल्स का थोड़ा ध्यान रखिए कि देखने में अच्छा लगे। ये एक नॉर्मली खींचा जो कि नॉर्मल ह्यूमन खींचता है, ठीक है, जैसे भी ठीक है। नेक्स्ट है रेड कलर, यहाँ पर हुई देखते हैं, यहाँ पर रेड कलर है नहीं तो ये कुछ करे कोई फ़ायदा होगा नहीं। यहाँ पर ये लास्ट में दो भी है, हाँ ये दो से देखिए स्काई पे इफेक्ट पड़ रहा है, जैसे मैं इसका हुई कम ज़्यादा कर रहा हूँ देखिए, लेकिन ये नेचुरली ठीक लग रहा है। सैचुरेशन बढ़ाते हैं, लुमिनेंस ठीक है, देखिए नेचुरल ठीक है ये। तो यहाँ पर हम लोग का कलर वाला ऑप्शन जो करना हो गया हम लोग का कंप्लीट। तो अब हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर जो वाइब्रेंस है इसको बढ़ाने से, आपको पता है मेन मेन जो कलर जहाँ पर है वही बढ़ाएगा, और सेचुरेशन तो पूरा फोटो का ही कलर से बढ़ा देता है, तो यहाँ पर फोटो ठीक ही है, बढ़ाने का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग का इफेक्ट टूल, ठीक है ना, यहाँ पर डिटेलिंग टूल पर नहीं जाना है, आप देख सकते हैं ये सब सेट है, कैसा सेट है, रॉ फोटो है इसलिए सेट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि रॉ फोटो कैसे क्लिक करें बेटर एडिटिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब टेक्सचर और क्लैरिटी है, इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेते हैं इस फोटो में, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं, ज़्यादा बढ़ा लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, बढ़ जा एक लेवल का देखने से मस्त भी लग रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। देखिए क्या घटिया एडिट हुआ है ना, चलिए इसको बैक कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेना है टेक्सचर और क्लैरिटी को आप लोग को, थोड़ा थोड़ा ताकि फ़ोटो थोड़ा अच्छा लगे, थोड़ा सा मतलब डिटेल आए फ़ोटो में, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए बिफोर और आफ्टर, ठीक है। अब डीहेज को यहाँ पर ज़्यादा करने से क्या होगा कि अब आप दे समझ सकते हैं कि डीहेज का काम क्या है, ठीक है। अब इसका बारे में मैं आपको बताता हूँ, इसको बढ़ाएंगे तो जो भी डार्कर पार्ट से वो और डार्क होगा, जो ग्लोइंग पार्ट है वो उसका कलर के साथ साथ उसको भी डार्क कर देगा, जैसे कि स्काई को देख सकते हैं। कम करेंगे तो उसका ऑपोजिट एकदम फेड 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 इतना फेड हो जाएगा कि पूरा फोटो वाइट वाइट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका फोटो डार्क है तो इसको कम कर सकते हैं, अगर आपका बहुत ज़्यादा ब्राइट है तो उसको बढ़ा के एक अच्छा एकदम सिनेमेटिक लुक दे सकते हैं, ठीक है। देखिए ये बढ़ा रहे हैं लेकिन यहाँ पर जो बढ़ा कम रहे, लेकिन यहाँ पर जो सूरज का जो ये वाला है रेस, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा होगा देखिए बढ़ाने पर भी, तो इसे एक अच्छा सिनेमैटिक लुक आता है। इसको बढ़ाएंगे नहीं ज़्यादा, थोड़ा सा ठीक है, देख सकते हैं फ़ोटो एकदम एडिट हो गया मस्त एकदम आसान तरीके से, ठीक है। यहाँ पर विग्नेट नहीं तो नेचुरल हम लोगों ने सीखा फोटो एडिटिंग करना, तो अब यहाँ पर जा चलते हैं लाइट वाले सेक्शन पे और सब कुछ ठीक है। कॉन्ट्रास्ट देख सकते हैं, अगर मैं कॉन्ट्रास्ट बढ़ा के रखता तो कुछ ऐसे रहता, ठीक है, कुछ इस टाइप का, तो इसलिए मैंने कॉन्ट्रास्ट नहीं बढ़ाया ताकि डीएच को वहाँ से बढ़ाएंगे, ठीक है। इसीलिए कॉन्ट्रास्ट कम, थोड़ा फेडेड लुक रहने देना, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में फ़ोटो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इधर लिंक डिस्क्रिप्शन में अच्छा अच्छा मस्त वीडियो है, तो आज तक ले ही बस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।